यक्षगान के साथ ही शुरुआत। और अब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है तो कैबिनेट विस्तार, नायब सिंह सैनी कैबिनेट का पहला विस्तार। जो नाम, जो चेहरे, जो विधायक हमने आपको बताए थे, हरियाणा न्यूज ने जो लिस्ट आपको दिखाई थी, उन सभी नामों पर मोहर लग गई थी। उनसे इधर उधर या उनके अलावा एक भी नाम कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ है। कमल गुप्ता बने हैं कैबिनेट मंत्री। इनके अलावा 7 विधायकों को राज्य मंत्री की स्वतंत्र प्रभार शपथ दिलाई गई है। तो सीएम समेत 14 मंत्री हो गए हैं, चूंकि 5 मंत्रियों की ओर से, 5 विधायकों की ओर से मंत्री पद की शपथ सीएम के साथ साथ ले ली गई थी। और देखिए, पिछले कैबिनेट से 6 चेहरे इसमें आए हैं। मनोहर पार्ट 2 से 6 चेहरे हैं, जिसमें जेपी दलाल हैं, रणजीत सिंह हैं, मूलचंद शर्मा हैं, कंवरपाल गुज्जर हैं, बनवारी लाल हैं और हैं कमल गुप्ता। ये 6 नाम वो हैं जो मनोहर पार्ट 2 में भी थे। इनके अलावा 7 नए चेहरों को जगह मिली है। दिलचस्प ये है, 7 नए नाम, 7 नए चेहरे, 7 विधायक राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री पिछली बार वाले 6 हैं और राज्य मंत्री इस बार जो नए 7 विधायक शामिल किए गए हैं, सभी को राज्य मंत्री बनाया गया है। चलिए सीधे आपको राजभवन लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि लगातार जानकारी दे रहे हैं और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जो खबर आपने बताई, जो लिस्ट आपने भेजी, जो लिस्ट हमने अपने दर्शकों को दी, उस पर मोहर लगी है। सभी वही नाम, सभी वही चेहरे, सभी वही विधायक जिनको नायब कैबिनेट में शामिल किया गया है। रवि, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ज्योति, जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने सुबह से ही तो वो लिस्ट जो अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी, उस पर मोहर लगने का काम हुआ है। अब जो तमाम जो नाम थे उन, रवि, आसपास आसपास अगर आप बातचीत भी करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। मैं तब तक अमित से बात करती हूँ। अमित, हमने जिन नामों का जिक्र किया था, जो लिस्ट हमने बताई थी, उस लिस्ट पर मोहर लगी है। कैबिनेट मंत्री बने हैं कमल गुप्ता और उनके अलावा 7 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ जातीय समीकरण साधने की बात जो हम लगातार कर रहे थे, साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन साधने की बात थी, तो सभी तरह के संतुलन यहाँ साधने का काम किया गया है। अगर जाट समाज की बात करें तो 3 मंत्री जो है वो जाट समुदाय से आ गए हैं। पहले ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जेपी दलाल, रणजीत सिंह शामिल थे, अब महिपाल ढांडा भी आ गए हैं। और ओबीसी की बात करें तो देखिए, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह ओबीसी से आते हैं और अभय सिंह यादव को शामिल किया गया। दक्षिण हरियाणा को प्रतिनिधित्व मिला है और साथ साथ वे ओबीसी भी हैं। और तीसरे अगर बात करें तो गुजर, जो कंवरपाल गुजर है, वे भी ओबीसी में ही है। तो ऐसे में 3 वे भी आ गए। और ब्राह्मणों की बात करें तो 2 ब्राह्मण के नाते भी मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं और सीमा त्रिखा को जो महिला होने के नाते भी, और पंजाबी भी हैं और साथ साथ पंजाबी ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं तो उनके साथ ब्राह्मण भी जुड़ा हुआ है, तो 2 ब्राह्मण भी आ गए हैं। और एक और जो एससी की बात करें तो 2 पहले बनवारी लाल आ गए थे, बाबल से विधायक हैं, पहले भी कैबिनेट मंत्री थे, अब भी कैबिनेट मंत्री ही पहले बने थे, अभी जो विस्तार हुआ 2-3 दिन पहले। और ऐसे में अब जो है विशंबर वाल्मीकि भवानी खेड़ा से आते हैं और वाल्मीकि समाज से हैं, उन्हें भी शामिल किया गया, तो 2 वो भी चेहरे जो है मिल हुए हैं। कैसा लग रहा है और सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? बहुत शुक्रिया सबका, धन्यवाद, थैंक यू। मैम कैबिनेट में शामिल हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है मैम, क्या कहना चाहिए? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने हरियाणा के सभी लोग जिन्होंने मिल करके एक फैसला लिया और नया सिस्टम्स बनाया हरियाणा के लिए, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और साथ साथ अपने फरीदाबाद के तमाम जिन्होंने सहयोग दिया मुझे, हमारे, अगर मैं बात शुरू करूँगी तो मेरी आवाज़ जो आदरणीय मनोहर लाल जी से शुरू होती है, उसके बाद में हमारे आदरणीय नायब सैनी जी जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मेरे सांसद बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी, बड़े सभी को लेते हुए, पूरे फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को लेते हुए बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ सबका। किस प्रकार से तमाम विभाग अगर आपको कोई मिलता है तो किस प्रकार से संभालते हुए नजर आएंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी? पता चलेगा, अभी तो शपथ ही हुई, अब समझ आएगा कि कहाँ किसको क्या और कैसे जो होगा सब। दरअसल भाजपा की तो एक सबसे बड़ी रीति है, ये टेम्परेरी सीट्स हैं सारी। बीजेपी में सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो एक कार्यकर्ता का है, और वो कार्यकर्ता के नाते वो कहीं पर सड़क से लेकर ऊपर तक कहीं तक भी हमारे से सेवा करा लें, हम तैयार हैं। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल श्रीमती त्रिखा हैं और बता रही हैं कि किस प्रकार से ये तमाम जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनको शीर्ष पर रखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी यहां करते हुए सीमा त्रिखा नजर आई है। ज्योति बिल्कुल, सीमा त्रिखा से आपने बात की, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। रवि आप बातचीत करते रहिएगा राजभवन में, जो भी नए मंत्री आपको मिलते हैं बातचीत के लिए। हम तब तक अमित से भी बात कर रहे हैं। अमित देखिए, जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है, तीन जाट मंत्री हैं, तीन ओबीसी का भी आप जिक्र कर रहे थे, दो ब्राह्मण समुदाय से पंजाबी समुदाय को भी जगह मिली है, वैश्य समाज से भी दो हैं, तो तमाम समीकरणों को साधा जाए जातिगत लिहाज से भी क्षेत्रीय लिहाज से भी इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हाँ, एक बड़ी बात यह जरूर है कि जो पिछली बार मंत्री थे उन्हें ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, सात नए चेहरे राज्य मंत्री बनाए गए हैं, सभी को नए चेहरों को नए विधायकों को जिसमें शामिल किए गए हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अमित जी बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक और बात मैं बीच में कह रहा था वो अभी जो विशंबर वाल्मीकि को लेकर थी। देखिए अंबाला से इस बार और सिरसा से जो SCA यानी जो कम्युनिटी से आते हैं उन्हें ही बंतो कटारिया SCA से आती हैं और अशोक तंवर की बात करें वे भी SCA से आते हैं, तो दोनों ही उम्मीदवार जो SCA से बने थे, तो ऐसे में विशंबर वाल्मीकि SCB से आते हैं जो उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ वाल्मीकि समाज को भी खुश करने की कोशिश की गई है। साथ साथ दोनों सीटें जो पहले SCA को दे दी गई थी, क्योंकि पहले सुनीता दुग्गल का टिकट कटा वे SCB से आती है, धानक समाज से आती है, तो ऐसे में वहां भी जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। तो देखिए अगर नायब कैबिनेट की बात करें तो न केवल क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है साथ साथ जातीय संतुलन साधा गया है, और कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली है वो पुराने ही है और निश्चित रूप से उनके विभाग क्या मिलते हैं देखने वाली बात होगी। हो सकता है उन्हें जैसा विभाग उनके पास था वो वैसा मिल जाए और कुछ एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो जो दुष्यंत चौटाला के पास भी थे जैसे, और जो अनूप धानक थे उनके पास थे, देवेंद्र बबली के पास थे, तो उनके पोर्टफोलियो भी कहीं ना कहीं वो भी बांटे जाने हैं, तो ऐसे में जो स्वतंत्र प्रभार मिला है उन लोगों को भी काफी काम करने का मौका तो ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, देखिए मंत्री तो वे आचार संहिता के बीच ही बने हैं, तो ऐसे में ज्यादा काम करने का उन्हें मौका शायद अपने विभागों के लिए ना मिल पाए, लेकिन जून 4 जून तक देखिए चुनाव परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद जुलाई अगस्त और फिर सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी हरियाणा विधानसभा के लिए, तो समय कम मिलेगा लेकिन मंत्री जरूर बन गए हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के लोगों को आगे लाने की कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में की गई है। जी ज्योति, अमित देखिए अनिल भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं और इस बार कैबिनेट में भी नहीं है, तो एक तो अनिल भी चूंकि बड़े नेता तो हैं बीजेपी के लेकिन नायब सिंह सैनी कैबिनेट में नहीं है, और एक बड़ी वजह हो सकती है असीम गोयल को शामिल किए जाने के पीछे अनिल विज का इस कैबिनेट में ना हो। जी निश्चित रूप से, जैसे पहले मैंने चर्चा की ज्योति कि असीम गोयल का नाम यूं ही नहीं आ गया, वो एकाएक आया, हालांकि देखिए वे भी 2014 में विनोद शर्मा को पराजित करके MLA बने अंबाला सिटी से, उसके बाद जो 2019 में भी फिर से दोबारा से MLA उनको बनने का मौका मिला, तो अंबाला वासियों की बात रहती थी, लेकिन अनिल विज की वरिष्ठता के आगे असीम गोयल की को शायद उस समय उन्हें प्रतिनिधित्व ना मिलता हो, क्योंकि अनिल विज का कद बड़ा था और उन्हें गृह मंत्री भी उन्हें बनाया गया था, और अब उन्हें दरकिनार जैसा भी किया गया, जो भी उनकी नाराजगी रही, फिर उन्हें मनाया नहीं गया, यानी कि उन्हें शामिल नहीं किया जाना था। देखिए अनिल विज ने कहा कि वे नाराज भी नहीं हैं और उन्हें मनाया भी नहीं गया, साथ साथ उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी मेरे ऊपर तो बम गिरने जैसा हो गया, तो ऐसे में इस तरह की बात हो गई, क्योंकि जिस समय नायब सिंह का नाम जो है वो मीटिंग में अंदर लिया गया होगा संभवतः उसी समय वे नाराज होकर बाहर निकल आए और तब से नाराज ही है, आज भी उन्होंने अपनी नाराजगी कई शब्दों में जाहिर की, तो अभी असीम गोयल की लॉटरी अगर निकली है तो वो अनिल विज के नहीं बनने के कारण निकली होगी, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जी ज्योति, एक एक मंत्री को लेकर अगर बात करें, OP यादव पिछले कैबिनेट में थे और उस वक्त भी अभय यादव के नाम को लेकर चर्चाएं थी, अमित आपको याद होगा, लेकिन OP यादव चूंकि राव साहब के खेमे के माने जाते हैं, राव इंद्रजीत के करीबी माने जाते हैं, अब उनकी जगह अभय यादव को लेना, इसका क्या संदेश आप देखते हैं? जी निश्चित रूप से ज्योति, यह सवाल आपने सही उठाया है, क्योंकि पहले OP यादव मंत्री थे और राव इंद्रजीत चाहते थे कि OP यादव ही बने रहें, हालांकि उनकी नाराजगी देखिए रहेगी, लेकिन जो अभय सिंह यादव को बनाया गया है, IAS की नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और ऐसे में अहिरवाल क्षेत्र में और नांगल चौधरी से वे विधायक बने, दो बार पहले भी उनका नाम चला था लेकिन राव इंद्रजीत के कारण उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाया,
और अब अहिरवाल क्षेत्र को भी दे दिया गया है प्रतिनिधित्व अभय सिंह यादव के रूप में और राव इंद्रजीत के बराबर के देखिए उनकी नाराजगी के बावजूद उनका मंत्री बनना कई तरह के संदेश देता है। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, पार्टी विशेष है और उस कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। आईएएस के लिहाज से आईएएस की नौकरी छोड़कर आए, भाजपा से राजनीतिक जीवन शुरू किया, तो ऐसे में उसका तोहफा भी उन्हें निश्चित रूप से मिला है। बेशक राव इंद्रजीत नाराज कहीं ना कहीं हुए होंगे, हालांकि वो इस नाराजगी से इनकार करते होंगे, लेकिन अभय सिंह यादव जो है वो राज्य मंत्री के रूप में अब शपथ ले ली है उन्होंने। जी बिल्कुल। और अमित देखिए, अभी चूंकि चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई हैं कि अलग अलग जिलों को या लोकसभा सीटों को कितना प्रतिनिधित्व मिल पाया है, जिसमें आप भिवानी की बात करें 2 मंत्री मिल गए हैं, फरीदाबाद की बात करें 2 मंत्री मिल गए हैं। इन बातों को लेकर भी चर्चा होगी कि कौन से इलाके को कितना प्रतिनिधित्व मिल भी पाया है या फिर नहीं। देखिए ज्योति, मैं जैसे पहले कहा कि कोई भी कैबिनेट का विस्तार जब भी होता है, हालांकि एक संख्या सीमित है, 90 की विधानसभा में 15% मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनने हैं, तो ऐसे में 14 ही सदस्य बनाए जा सकते हैं। हालांकि हरियाणा में जिले तो 22 हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व देने की कोशिश रहती है। फिर भी जैसे फरीदाबाद से 2 लोगों को मंत्री बनने का मौका मिल गया और भिवानी से मिल गया मौका, और तो ऐसे में कोशिश तो थी, लेकिन जातीय संतुलन साधना जो है वो राजनीतिक लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में जातीय संतुलन भी साधे गए हैं और क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। हालांकि सभी जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रभावशाली जो अपने अपने इलाकों में रहते हैं और 1-2 जिलों में प्रभाव डालते हैं या पूरे हरियाणा पे डालते हैं, जैसे मैंने विशंबर वाल्मीकि का जिक्र किया, भवानी खेड़ा से आते हैं, भिवानी जिला में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो दलित बी कम्युनिटी के लिहाज से, एससी बी कम्युनिटी के लिहाज से उन्हें महत्व देना जरूरी था, क्योंकि पहले कृष्ण बेदी भी राज्य मंत्री रहे थे, फिर उन्हें पॉलिटिकल एडवाइजर रखा जो बना के राजनीतिक सचिव के रूप में बना के रखा गया, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे जब तक रहे, बाद में उनका इस्तीफा हो गया, उसके बाद से वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मजबूत जो है उन्हें देने की कोशिश की जाती रही थी, सम्मान देने की कोशिश की जाती रही। हालांकि देखिए टिकट के रूप में उन्हें तोहफा नहीं मिला, लेकिन अब मंत्री राज्य मंत्री के रूप में जरूर तोहफा मिल गया है, तो ऐसे में जातीय संतुलन साधने की भरपूर कोशिश जो है वो भी की गई, क्षेत्र के हिसाब से साधा गया, लेकिन जिले जो है वो सभी शामिल नहीं हो सकते। अमित चाहते देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जैसा कि सीएम चुनने में भी उनके करीबी तो नाब सिंह सैनी माने ही जाते हैं, उनका नाम सामने आना तो उस वक्त भी लगा कि उनकी चली तो बहुत खूब गए। अब जो मंत्रियों के नाम गए उसमें भी लगता है कि जो मनोहर लाल की गुडबुक में शामिल थे जो विधायक जो नाम उनको तरजीह दी गई है मंत्रिमंडल में भी। ये पीछे सबसे पहले कि आज आपको माइक आईडी घुमा लो देता है। चाहे अभय सिंह यादव को मंत्री बनाना वो पहले भी चाहते थे, लेकिन राव इंद्रजीत की नाराजगी नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसे में देखिए अभय सिंह यादव बने हैं तो निश्चित रूप से मनोहर लाल का उसमें हाथ है उनके बनाने में भी। और सीम गोयल जैसा आपने कहा नायब सिंह सैनी के मित्र भी रहे हैं और देखिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के समय से ही कार्यरत है। 1996 में नायब सिंह सैनी जब भाजयुमो में आए थे उस समय से उनकी दोस्ती रही, और ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जो युवा और दूसरी पंक्ति के अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, सर कैसे देखते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस प्रकार से क्या प्राथमिकता रहेंगी सर काम करने को लेकर? प्राथमिकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी की रहेंगी, जो हरियाणा सरकार की रहेंगी, वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आईएएस रहे हैं सर, आप लगातार काम किया है हल्के में, उसका कोई फायदा आपको मंत्री बनने के बाद कोई मिलेगा या फिर केंद्र की जो योजनाएं उनको लाने में कितना सफल हो पाएंगे सर? आदमी सारी जिंदगी सीखता रहता है, मैंने भी जितना अब तक सीखा है वो उसका प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत बधाई सर। अभय सिंह यादव हैं और देखिए जिस प्रकार से उनका कहना है कि जो आदमी लगातार सीखता रहता है और वो सीख जो है वो कहीं ना कहीं काम आती है, इस प्रकार की बात अभय सिंह यादव जो है वो करते हुए नजर आए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है, तो आने वाले समय में ज्योति ये अपने हलके के लिए आईएएस भी रहे हैं और आईएएस के तौर पर इन्होंने बहुत सी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, तो उसका फायदा भी जो है अपने हलके को और सारे ही राज्य को इस वक्त तो हम कहेंगे क्योंकि राज्य मंत्री बन गए हैं तो इनके अनुभव का फायदा तो होगा। रवि आप बातचीत करते रहेगा, इससे पहले आप सीमा त्रिखा से भी बात कर रहे थे, अभय सिंह यादव से भी बात की, सीएम नायब सिंह सैनी को भी हम देख रहे हैं, तो शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, हरियाणा को
पूरी कैबिनेट हरियाणा की मिल चुकी है, नायब सिंह सैनी की टीम पूरी हो चुकी है। अधिकतम की हम बात करें तो अधिकतम 14 मंत्री, जो कि हरियाणा के विधायकों की संख्या 90 के लिहाज से 15% के अधिकतम के, तो अधिकतम जो आंकड़ा के उसे छू लिया गया, यहाँ के मंत्री बन गए हैं। तो अमित, हम बात कर रहे थे कि जो मनोहर लाल की गुडबुक में या उनके पसंदीदा चेहरे हैं उन्हें भी जगह दी गई है, नायब सिंह सैनी के जो करीबी माने जाते हैं, तो एक मिली जुली कैबिनेट ये कहा जाएगा पसंद के लिहाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, सबसे अहम बात यही है कि नायब सिंह सैनी के नजदीकी लोग भी इसमें शामिल हैं और मनोहर लाल के भी, तो मिलीजुली कैबिनेट है, कैबिनेट बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका प्रभाव भी है। इसीलिए वे देखिए, हर अगर बात करें पिछले जब विस्तार हुआ तब भी वे मौजूद रहे और अब भी विस्तार में वे पहुंचे हैं, तो ऐसे में उनका प्रभाव हर जगह देखा जा रहा है। यूं नहीं है कि मनोहर लाल अगर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं तो उनकी एक तरह से जो भूमिका बदल गई है, पूरी तरह से भूमिका बदली जरूर है, लेकिन प्रभाव जो है हर मौके पर हर राजनीति के लिहाज से उनका देखने को मिल रहा है, विस्तार में भी देखने को मिला है, और साथ साथ चेहरे जो चुने गए हैं उनका चुनाव भी जो मुझे जो जैसा कि राजनीतिक तौर पर चर्चा भी, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल ने मिलकर ही पार्टी हाईकमान को इससे अवगत करवाया होगा, और जो सुटेबल होंगे चेहरे, जो आगे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पंक्ति को मजबूती दी गई है, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के आचारों विचारों को रीति नीति को उन्हें तरजीह दी गई है, और निश्चित रूप से मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के जो इसमें साझा उनका विचार रहा होगा उसी पर ही मोहर लगी होगी। जी ज्योति बिल्कुल अमित, देखिए एक एक समुदाय को लेकर भी बात कर लेते हैं। पिछली कैबिनेट में चूंकि जेजेपी साथ थी, दो जेजेपी कोटे से जाट मंत्री थे, तीन बीजेपी से थे, तो बीजेपी एक दिन में, हालांकि निर्दलीय भी है रणजीत सिंह जिनको हम काउंट कर रहे हैं, तो बीजेपी ने उसी आंकड़े को कायम रखा कि निर्दलीय रणजीत सिंह रानिया से और दो जाट मंत्री जिसमें जेपी दलाल शामिल है, साथ ही महिपाल ढांडा को भी शामिल करवाया गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें तो रणजीत सिंह के मामले में उनको कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया गया है। देखिए रणजीत सिंह लगातार यह कहते रहे हैं कि उनकी अगली जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी, यानी कि एक तरह से उनका हर बार यह ऐलान रहता है कि वे भारतीय जनता पार्टी में ही अगली अपनी जो राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, या अगर लोकसभा चुनाव भी अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ाना चाहेगी तो वे उसके लिए तैयार हैं, हिसार से लड़ लेंगे, कहीं से भी लड़ लेंगे, इस तरह के बयान देते हैं। यानी वे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में विधिवत तो शामिल नहीं हो सकता क्योंकि निर्दलीय विधायक है, उसे निर्दलीय चुना था, आजाद चुना था वो। क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी आपके कामकाज की? रूपरेखा सरकारों की होती है, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति की रूपरेखा नहीं होती। सरकार में जो काम मिलेगा, जो जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना, उस जिम्मेवारी के जरिए कुछ अगर खास बदलाव करने की आवश्यकता होती है या समाज के अंदर या जनता में अगर किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता है कि जो वाक्य में और स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, उसके लिए अपना विचार देते हुए जो जो चीज़ें भी हमारे करने लायक होंगी उन कार्यों को करते हुए हम लोग जनता की सेवा कर सके, इसी भाव के साथ हम लोग अगला अपना जो समय बचा उसको पूरा करें। किस प्रकार से अभी तक आपने आकलन किया होगा प्रदेश में कौन सा ऐसा काम है जो प्राथमिकता के आधार पर आप करना चाहेंगे? सर देखिए, ये कोई इस तरह का खड़े खड़े मुद्दा नहीं होता कि भाई दो मिनट पहले शपथ लो और तीन मिनट बाद आपको कि कौन सी ऐसी प्राथमिकता सोची है। देखिए जेन्युइन बात यह है कि भाई समस्याएं कब किस वक्त और किस तरह की होती है उस पर डिपेंड करता है, वो समस्याएं कब आएंगी और समस्या जब आती है उसके एक रीज़न ढूंढने पड़ते हैं, रीज़न ढूंढ के ही आप लोग कोई कारण ढूंढ के ही आप उसका निराकरण करते हैं। जो भी कुछ बेस्ट से बेस्ट करने के लिए होगा हम लोग हर काम को ठीक से करते हुए अपना 100% देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो महिपाल ढांडा हैं और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो भी काम इनके जिम्मे लगाया जाएगा, जिस प्रकार से भी ये जो भी काम करेंगे और कहीं ना कहीं पूरी निष्ठा के साथ यहाँ करते हुए नजर आएंगे। ज्योति बिल्कुल, देखिए अमित, हम बात कर रहे थे कि जातिगत आधार पर हम बात कर रहे हैं, पांच चूंकि मंत्री थे जाट मंत्री जिनमें एक महिपाल ढांडा आप शामिल किए गए हैं, पहले कमलेश ढांडा भी थी जो कि जाट समुदाय वाला कार्ड भी पूरा करती थी और साथ ही महिला वाला भी, लेकिन इस बार महिला मंत्री के तौर पर सीमा त्रिखा को शामिल कराया गया के, और जाट वाला जो नंबर जो आंकड़ा पूरा करना था बीजेपी को उसके नाते महिपाल ढांडा को शामिल करवाया गया।
देखिए बिल्कुल ढांडा महिला थी, कमलेश ढांडा थी, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में उनके रिजल्ट कभी भी बढ़िया नहीं आए, ऐसी लगातार चर्चा थी। महिला के नाते तो सीमा त्रिखा शामिल कर ली गई हैं और पहले भी एक कमलेश ढांडा ही एकमात्र महिला एमएलए थी जो मंत्री थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की 3 MLA जो है महिला हैं, उनमें निर्मल रानी भी हैं गन्नौर से और साथ साथ सीमा त्रिखा हैं। तो सीमा त्रिखा देखिए पंजाबी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और साथ साथ महिला भी हैं और फरीदाबाद क्षेत्र से आती है, बड़कल से, और सीनियरिटी के लिहाज से भी उनका देखिए कद तो बनता है, पहले मुख्य संसदीय सचिव रही हैं। तो ऐसे में जाट संतुलन जो जातीय संतुलन था साधने की कोशिश जरूर थी, लेकिन कमलेश ढांडा के मुकाबले महिपाल ढांडा तो ढांडा उनका इस कैबिनेट में किस प्रकार से देखते हैं, पूरी जिम्मेवारी किस प्रकार से रहने वाली? अच्छा है भैया, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। अब पहले थे 3-4 दिन के लिए, राम जी ने कहा इसको फ्रेश करो, फ्रेश कर दिया। फ्रेश करने के बाद कोई नया विभाग मिलता है, उसमें किस प्रकार से जिम्मेवारी निभाएंगे? विभाग मिलने के बाद इसका जवाब देंगे हम। अभी तक का आपका अनुभव क्या कहता है? आप पहले के अनुभव बहुत अच्छा है, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर था, अब मुझे पता नहीं कि किसका हूँ। अर्बन लोकल बॉडी में हमने बहुत काम किया। अगर वही जिम्मेदारी फिर से दोबारा मिलती है तो कोई बेहतर प्लान मिले? हम तो नटवोल्ट है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन जहाँ हमें कसेगा हम कस जाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल देखिए नट बोल्ट हैं और जहाँ मुख्यमंत्री साहब कसना चाहेंगे हम वही फिट हो जाएंगे, इस प्रकार की बात कैबिनेट मिनिस्टर कमल गुप्ता यहाँ करते हुए नजर आए। रवि देखिए कमल गुप्ता से भी बात कर रहे थे अमित रवि अभी, कमल गुप्ता के नाम को लेकर हालांकि चर्चाएं थी कि उनको शामिल किया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन वैश्य समाज से आते हैं और उस नाते भी पिछली बार भी जब कैबिनेट का विस्तार किया गया अनिल विज का विभाग इन्हें दिया गया था और इस बार भी इन्हें कायम रखा गया कि, तो पिछली बार के 6 कैबिनेट मंत्री जिन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शामिल किया गया, इसमें कमल गुप्ता का नाम भी शामिल। देखिए ज्योति, जैसा कि पहले अगर शुरुआत में लगा, पहले विस्तार में जिस प्रकार से उनको शामिल नहीं किया गया तो उस समय लगा था कि शायद कमल गुप्ता का भी नाम कट जाएगा, इस समय जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें उनका नाम नहीं होगा, लेकिन हिसार जिला को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था तो ऐसे में उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और कमल गुप्ता का हालांकि देखिए चर्चा ये थी कि वो प्रॉपर्टी आईडी के मसले पर काफी विवाद रहा, हरियाणा में राजनीतिक तौर पर मुद्दा बना रहा प्रॉपर्टी आईडी, तो उस समय लगा कि शायद कमल गुप्ता को इस बार विस्तार में उनका नाम कट चुका है, लेकिन एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन, जैसे मैंने कहा कि हिसार को पहले ही वहां पर अभी तक जो है वो लोकसभा प्रत्याशी का भी ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे में हिसार जिला में अगर मंत्री नहीं बनते कोई तो उससे नाराजगी बढ़ सकती थी, तो उस हिसाब से भी संतुलन साधना जरूरी था, हिसार को भी साधना जरूरी था और साथ साथ वैश्य समुदाय को साधना भी जरूरी था। तो ऐसे में कमल गुप्ता आए हैं, देखिए अब उनको मंत्रालय क्या मिलता है, उनका भार बढ़ता है या उनका जो मंत्रालय प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विवादों में रहा उसे परिवर्तित किया जाता है, यह तो अभी आने वाले कुछ घंटों में या कल तक पता लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि अभी मंत्रियों के पास विभाग जो है वो ज्यादा रहने वाले हैं, पोर्टफोलियो ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि मंत्रियों की सीमित संख्या है, विभाग ज्यादा है। जी देखिए राज्य मंत्री चूंकि कई बना दिए गए हैं और कैबिनेट मंत्री 6 बनाए गए हैं, तो जो जेजेपी के पास जो पोर्टफोलियो जो थे, विभाग जो थे उनके मंत्रियों के पास, वो भी देखना होगा। अमित सीएम किन किन विभागों को अपने पास रखते हैं, किस किस वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है, क्या पोर्टफोलियो रहता है? जी निश्चित रूप से ज्योति, मैंने जैसा पहले कहा कि देखिए दुष्यंत चौटाला के पास उस समय काफी करीब 14 जो महकमे थे और देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री थे, पंचायत मंत्री के रूप में भी हालांकि काफी विवाद जो ई टेंडरिंग का मसला था, सरपंचों की नाराजगी भी देवेंद्र बबली ने झेली और एक बड़ा विवाद जो पूरे हरियाणा में कई दिन तक आंदोलन चलता रहा, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन देखिए अब पंचायत विभाग का मंत्री किसे बनाया जाता है यह एक बड़ी बात रहेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में यह एक देखने वाली बात होगी किसे बनाया जाता है, लेकिन यह जरूर तय है कि इस बार राज्य मंत्रियों के पास भी काफी विभाग रहने वाले हैं और दूसरा जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनके पास भी कई कई विभाग होंगे, हालांकि यह एक अलग बात है जोशी, जैसे मैंने पहले कहा कि विभाग ज्यादा है लेकिन उनको टाइम भी कम मिलेगा, समय नहीं है हर विभाग के लिए योजनाएं लाने में या उसकी चर्चा करने के लिए समय नहीं है उन लोगों के पास। जी तो अभी अमित क्या आप नया मान रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता देखिए लग चुकी है, समय कम के लोकसभा चुनाव में जाना है, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये जो जाति और जो क्षेत्रीय संदेश एक देना था कि सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सबको सरकार में कैबिनेट में शामिल किया गया, कि एक ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले।
जी निश्चित रूप से ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जो आचार संहिता लग चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पूरा कार्यकाल को देखते हैं सर। मैं पार्टी संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझमें ये विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो जिम्मेवारी दी उसको पूरा करेंगे। और हमारे जो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नीति और जो पॉलिसी बनाई हुई है उनको हम पूरा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी संगठन की जो हमारी काम करने के तरीका है, काम करने का एक सिस्टम है, उसको हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये फेरबदल, इसको कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था कैबिनेट का विस्तार होना लोकसभा चुनाव सिर पर है सर? देखो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि आम कार्यकर्ता को कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी दी जा सके। और मैं समझता हूँ हमने पहले ग्रंथों में अपने जो अनुभव पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन आज साक्षात माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है कि और बड़े सहज स्वभाव से माननीय जो परिवर्तन हमारा प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से हुआ, तो मैं समझता हूँ ये एक इतिहास में लिखने के बाद इतिहास में ये अध्याय लिखना चाहिए। कोई भी जिम्मेवारी मिलती है उसके लिए तैयार है? बिल्कुल, आज पार्टी संगठन ने जिम्मेवारी दी है और पूरी ईमानदारी साथ उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे। बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद। ये थे संजय सिंह और ज्योति। देखिए किस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि इस प्रकार का बदलाव, और कम से कम सबसे निचले पायदान पर खड़े कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाती है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिल्कुल रवि, तो रवि देखिए लगातार मंत्रियों से बात कर रहे हैं अमित, और सभी का ही कहना है कि जो भी जिम्मेदारी विभाग दिया जाता है बखूबी उसे निभाने का प्रयास होगा। अभी तक तो चुनाव को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, अच्छे निर्दलियों को लेकर, चूंकि निर्दलियों के बिना बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्दलियों को जगह न देने का फॉर्मूला अपनाया गया, केवल बीजेपी के विधायकों को मौका दिया गया कि मंत्री के नाते। देखिए इस विस्तार में ज्योति सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो निर्दलियों को ही लगा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने अगले दिन ही फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है फ्लोर टेस्ट एक बार पास कर लिया तो 6 महीने तक जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दोबारा से नहीं लाया जा सकता, और ऐसे में टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उन्हें देखिए निर्दलियों को झटका लगा है, उनका इस्तेमाल भी हो गया। वे 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे थे, प्रदेश में सरकार चली उस समय, हालांकि दुष्यंत की जेजेपी के साथ गठबंधन था, निर्दलियों को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन यह जरूर है कि अब लग रहा था कि निर्दलियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी से ही जो कैबिनेट पूरी कर दी गई, एक निर्दलीय केवल जो है वो रणजीत सिंह की लॉटरी खुली है। और वो भी मेरा मानना है कि देखिए दुष्यंत चौटाला को जब हटाया गया तो ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, तो इसी रूप में ही उनको एक चौटाला गए हैं, दूसरे चौटाला को जोड़े रखना है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने बार बार कहा है। तो एक बेनिफिट उनको यह भी रहा होगा जो निश्चित रूप से, और साथ साथ चौधरी देवीलाल के बेटे हैं तो ऐसे में उनको वो भी उसका भी लाभ मिला होगा, इसीलिए वे शामिल हैं। पिछली कैबिनेट में भी वे लगातार शामिल रहे थे, बिजली मंत्री था उनके पास, प्रभार जेल मंत्री था। तो ऐसे में अब जो निर्दलियों को झटका मिला है वो देखने वाली बात है, उसके लिए निश्चित रूप से क्या झटके वाली बात है, आपको क्या लगता है? क्योंकि समय कम बचा के चुनाव का, अगर समय अधिक होता तो अमित लगता नहीं कि बीजेपी ऐसा कोई रिस्क लेती, इसको रिस्क ही कहा जाएगा क्योंकि आंकड़ा तो बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन चुनाव तो आ गए हैं सिर पर। रिस्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही एक वजह रही है, क्योंकि मैंने जैसा पहले का फ्लोर टेस्ट हो चुका है, तो ऐसे में 6 महीने से पहले कुछ हो नहीं सकता, चुनाव भी आ गए हैं। और अब निर्दलियों के लिए अगर बात करें, अभी पास है, देखिए ज्योति सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को ही आगे बढ़ा रही है, और ऐसे में निर्दलीय अगर अभी मंत्री बनकर अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, और उनकी अगली पारी जो है वो ज्यादा मजबूती से वे अगले विधानसभा चुनाव में उतर पाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा, और उनकी विश्वसनीयता को लेकर भी होगा जरूर कोई बातचीत रही सकती है, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा निश्चित रूप से, इसलिए अपनी टीम को
जो दूसरी पंक्ति के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ाया गया है और इसी वजह से निर्दलियों को भी आगे नहीं बढ़ाया गया, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई होगी ऐसा लगता है। और अब सरकार नायब सिंह सैनी सरकार जो बनी है उसके बाद कई चेहरे जो चेयरमैन के रूप में भी बने हैं वे भी देखिए पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी पूरी उम्र बीत चुकी है, वो युवा थे और अब वे बूढ़े हो चले थे, उन्हें भी चेयरमैन बनाया गया है। वो अब ऐसे में देखिए उनको भी तवज्जो मिली और मंत्रियों के रूप में भी तवज्जो मिली अपने भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में निर्दलियों को जगह नहीं मिल पाई है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, अगर उन्हें मान सम्मान देना है तो रास्ते तो कई है, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कुछ अभी ऐसा होगा। जी ज्योति बिल्कुल, और निर्दलियों ने भी बिना किसी शर्त के समर्थन दिया, कर शुरुआत से लगातार ये कहते आए थे कि जेजेपी के साथ रहने की या गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के पास आंकड़ा पूरा के शुरुआत से कह रहे थे निर्दलीय। रूप से कही गई थी बात और वो समर्पित भी थे। देखिए चाहे कोई सा भी आंदोलन रहा, किसान आंदोलन रहा या कोई भी विवाद आया, अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना मनोहर सरकार को करना पड़ा, उस समय भी उनके साथ निर्दलीय खड़े रहे थे, 6 निर्दलीय थे और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा थे। लेकिन जो एक निर्दलीय बलराज कुंडू है वो जो जब किसान आंदोलन हुआ उस समय भी अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग जो मोर्चा या पार्टी जो बनाई है उन्होंने, लेकिन निर्दलीय जो 6 थे और गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के सिरसा से विधायक हैं, वे लगातार खड़े रहे। और अब भी उनका कल भी बयान आया था कि वे कभी चाहे उन्होंने नहीं रखी और वे विकास के लिए खड़े हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी उन्होंने विकास की कोई योजना वे मनोहर लाल के पास लेकर गए उस समय उनको मंजूरी मिली। और एक बार एक बात और भी है, वे अपने क्षेत्रों में चाहे वो समस्याएं थी, थर्ड मोहल्ला की समस्या थी या ऑटो मार्केट की समस्या थी या सिरसा को ग्रांट दिलवाने की बात थी, वे अपनी कोई फाइल विकास की लेकर जब गए तो मनोहर लाल ने उस पर सहानुभूतिपूर्वक जो कार्रवाई की, सकारात्मक कार्रवाई की और वे गोपाल कांडा के बुलावे पर उन लोगों के बीच में पहुंचे, थेड मोहल्ला में भी पहुंच गए थे उनसे थेड मोहल्ला वासियों से बातचीत करने के लिए, ऑटो मार्केट में भी गए मिस्त्रियों से बात करने के लिए। उसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास की योजनाओं को पूरा किया, लेकिन हर क्षेत्रवासी का, हर जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता का एक मानस होता है कि उनका प्रतिनिधित्व भी जो है वो कैबिनेट में शामिल हो। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा, 2-3 महीने का ही मैंने जैसे पहले कहा कि समय मिलेगा, अब वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, बतौर विधायक ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं सिरसा के लिए गोपाल कांडा की ओर से। बहुत शुक्रिया अमित, अहम जानकारी आप दे रहे थे और रवि लगातार राजभवन से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो नायब कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, चुनाव करीब है और बहुत जल्द अपने अपने इलाकों में या पूरे ही राज्य के लिए मंत्री कार्यकर्ते नजर आएंगे।